तो एक बार सर होली पे हमारे घर आ गए थे, होली पे खूब भिगोया था मैंने, पर अगले दिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। डंडा लेके नीचे खड़े के तो नीचे आ। नमस्कार, मैं आज आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज सतपुली में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था। आप देख रहे होंगे मेरे साथ इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या खास बात है। और ये सेवानिवृत्ति जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में एक जरूर खास बात जरूर है। यहाँ पर इंटर कॉलेज सतपुली के प्रधानाचार्य श्री हेमचंद केशवाल जी, उनका आज सेवानिवृत्ति का समारोह था। और यहाँ पर आप जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो दिल्ली और अन्य अन्य जगहों से, NCR से और अन्य जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या खास बात थी गुरुजी में, ये जरूर जानना चाहेंगे। आपका सुनाम नहीं जाने का जी, गुरुजी ने कब पढ़ाया और कौन सी क्लास में? हमें 92 में पढ़ाया, 93 में। क्या खास बात है आप यहाँ पहुँचे हैं आज? बस गुरुजी का प्यार आशीर्वाद हमें इसलिए है। इसके साथ साथ मेरे साथ और भी भाई हैं, उनसे भी जान लेंगे आप, उसे आप नाम बता देंगे अपना। और क्या खास बात रही कि आज आप यहाँ पर पहुँचे? मेरा नाम अशोक है, 92 में वहाँ पे आए थे। तो तब तो हम पांचवी छठी में थे, लेकिन वो भी बहुत यंग एज में थे, 24-25 साल गुरुजी की उम्र थी। और एकदम जब पढ़ाते थे तो एकदम दोस्त की तरह बात करते थे, तो पढ़ाने का तरीका उनका बिल्कुल ही अलग था। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, बहुत प्यार से पढ़ाते थे। जो कुछ हैं आज गुरुजी के बारे में, जहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, कौन सी जगह से आप आए हैं और गुरुजी का आपके साथ किस तरह का व्यवहार था जब आप स्कूल में थे? मैं दिल्ली से आई हूँ और मैंने 94 में पारवी करी, तो गुरुजी ने 7-9 तक मुझे पढ़ाया था, तो गुरुजी का प्यार नहीं गया। उनके बगल में हमारे दिग्मल भाई, जिनको सभी लोग जानते हैं, उनसे भी जान लेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमेशा सोशल एक्टिविटी में एक्टिव भी रहते हैं और नहर घाटी के क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं। तो उनसे जान लेंगे कि गुरुजी के सम्मान में यहाँ पर पूरा समारोह था। आज ये सौभाग्य हमें मिला है कि हमारे जीवन के, हमारे चरित्र के शिल्पी हमारे गुरुदेव आदरणीय हेमचंद केशवाल जी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि गुरुदेव ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी बल्कि संस्कार भी हमें दिए साथ साथ में, कि आपको जीवन में और किन मूल्यों को लेकर आगे चलना है। और इसी का आज परिणाम है कि इतनी संख्या में हम उस समय के जो 1990 से 95-96 तक राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत में हमने अपना अध्ययन किया, तो वो सब लोग आज भी एकजुट हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज गुरु जी के इस पुनीत अवसर पर यहाँ पर आए हैं कि आज जो सेवानिवृत्त हुए हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु का जो ज्ञान का प्रकाश होता है वो जीवन में आपको हमेशा अच्छाई का रास्ता दिखाता है और बुराइयों से दूर करता है। क्योंकि हम जब, मैं स्वयं शिक्षक पुत्र हूँ, तो जब हम कोई भी काम, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी निर्णय जीवन के होते हैं, तो उसमें ज़रूर ये देखा जाता है कि इसका प्रभाव मेरे अलावा मेरे शिक्षकों पर और मेरे पेरेंट्स पर, मेरे माता पिता पर क्या पड़ेगा, समाज पर क्या पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर गुरुदेव का जो प्रकाश रूपी ज्ञान उन्होंने हमें दिया, उसने हमें हमेशा रास्ता दिखाया और उसी का परिणाम आज है कि हम यहाँ पर एकत्रित थे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अभी और लोग भी मेरे साथ हैं, एक बार सबका नाम जान लेंगे और कहाँ से आप आए हैं। मेरा नाम आरती बिस्टे, मैं नोएडा से आई हूँ। तो गुरु जी ने हमको 92-93 में पढ़ाया था, हम 9th और 10th में हमारे क्लास टीचर थे। यदि हम यहाँ आए हैं तो गुरु जी के ही ऐसा कुछ होगा, गुरुजी ने हमसे ऐसा प्रेम और स्नेह लगाव है कि आज हम इतने साल बाद मिले हैं गुरुजी को, वो भी रिटायरमेंट के साथ इतने सब दूर दूर से आ रखे हैं। आपका भी नाम जान लेंगे और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम कुसुम है, मैं नोएडा से आई हूँ। गुरुजी के रिटायरमेंट में हमने सोचा कि बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज नहीं हो गया तब तक। अच्छा लगा हमें यहाँ आके, गुरुजी से मिलकर अच्छा लगा। हम कम से कम 25-30 साल बाद, शायद 25-26 साल बाद गुरुजी से दोबारा मिल रहे हैं। गुरुजी को भी हमारी याद थी और हमें भी गुरुजी के बारे में कहाँ पर गुरुजी रहते हैं, क्या हैं, अपने साथी से हम पता करते थे। तो अच्छा लगा यहाँ पर आके गुरुजी से मिलके, और उनके बहाने से हमने और गुरुजी से मिले हम लोग। आपका भी नाम जान लेंगे, कहाँ से आए हैं। मेरा नाम अनिता है, मैं दिल्ली लोजी कॉलोनी से आई हूँ। बस
गुरु जी से मिलना ना होता तो इस पुण्य में साथ दे दिया, आज मिलना हो गया। मेरा नाम संतोषी दसवाना है, मैं दिल्ली रामपत से आई हूँ और बस गुरु जी का प्यार इसलिए। मेरा नाम सरिता भंडारी है, मैं दिल्ली से आई हूँ और 98 में हमने 12वीं पास किया और हमारे गुरु जी ने हमें बहुत प्यार और सम्मान भी दिया और इस वजह से आज हम उनके रिटायरमेंट में यहाँ पहुँचे। आप कहाँ से हैं? मैं एनसीआर कुसुम चुकलियाल जी। बस अपने गुरु के प्यार भक्ति मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचे और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात तमाम मंदिर तस्मय श्री गुरु मंदिर इसी में सब कुछ है। कुसुम जी श्रीनगर से आई हूँ। गुरु जी थोड़ा सा भावुक हो गए हैं गुरु जी के लिए। गुरु जी चाहिए जी, ऐसे हमारे गुरु जी का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता है। नमस्कार, मैं कांति मुंडोला हरिद्वार से आई हूँ और सर का आशीर्वाद और इसने हमारे साथ बचपन से ही लगा रहा। सर हमारे यहाँ आ गए थे, गांव में ही रहते थे पास के ही, तो हम तो स्कूल से भी जुड़े हुए थे और घर से भी जुड़े हुए थे। सर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था हमारे साथ, परिवार के साथ और सभी के साथ, बच्चों के साथ। सर जी से हम बहुत डरते थे, डरते बहुत थे, लेकिन अपनी मस्ती भी पूरी मारते थे। डरते ज़्यादा डरने का किस्सा हो याद है तो एक बार सर होली पे हमारे घर आ गए थे, होली पे खूब भिगोया था मैंने। अगले दिन स्कूल जब मैं स्कूल गई तो मुझे गेट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर कैसे जाऊँगा। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम रीना भट्ट है, मैं ऋषिकेश से आ रखी हूँ और कैस्टल गुरुजी ने पढ़ाया तो नहीं पर हमारे आदर और सम्मान रहे। एक दिन मुझे भी डराया था गुरुजी ने। अच्छा। हम उसके पेड़ पे चढ़ी थी, अरे सारे भाग गए थे, कुछ डंडा लेके नीचे खड़े के तो नीचे खाता हूँ। अच्छा। पर इसने प्रेम रहा गुरुजी का हमारे यार आशीर्वाद की वजह से आज हम यहाँ सब सम्मिलित हैं। आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम संतोषी रावत है, मैं रुड़की से आई हूँ और गुरु जी के प्रति सम्मान और प्रेम है हम लोगों का कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथी बंधु मेरे साथ आए हैं गुरु जी के पद चिन्हों पर ये लेट चले, हम भी चले और गुरु जी का आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर के अंदर जो एक शिक्षक के गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं। एक उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने कि सिखाया कि अनुशासन क्या होता है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज और अपने कर्तव्य के प्रति उन्होंने उनका निर्वहन किया है, तो वह एक आदर्श जो शिक्षक होंगे हमें ऐसा मिलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। वो उत्कृष्ट शिक्षक रहे हैं और उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, उनका तहे दिल से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उन बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम शांति कुमार है, मैं फरीदाबाद से यहाँ आया हूँ। गुरु जी का प्यार हमने यहाँ लिया है, मैं गुरु जी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो सुखी रहे। मेरा नाम रतन सिंह रावत और मैं गाजियाबाद से आया हूँ और गुरु जी का जो सानिध्य हमें प्राप्त हुआ 93-94-95 में, मैं 11वीं-12वीं में क्रिकेट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं वैसे आउटसाइड में था पर एक दिन गुरु जी ने, मुझे याद है कि हमारे इकोनॉमिक्स के गुरु जी आए नहीं थे, तो गुरु जी ने हमें बायोलॉजी की क्लास में बुला लिया था सबको क्योंकि हम शोर बहुत कर रहे थे। तो उस दिन मैंने उनका पढ़ाई का तरीका देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन इंटरेस्ट हुआ था कि भैया मैं भी बायोलॉजी को, तो मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही सुंदर था। आज जो हम यहाँ आए हैं उनकी प्यार था कि जो हमें यह लाया है। मैं अब ये सेवानिवृत्ति के बाद गुरु जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो स्वस्थ रहे हमेशा। ये थोड़ा जो छात्र हैं छात्रों से अब गुरुजी की तरफ ले चलते हैं आपको। गुरुजी से पूछते हैं कि आज सारे बच्चे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से विभिन्न क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पहुँचे? आज यहाँ पर मैं अपने पूर्व छात्रों को छात्र छात्राओं को देख करके क्या अनुभूति हो सकती है या हो रही है उसे मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ये जो छात्र छात्राएं पूर्व हैं आज, उस समय जो है मेरी उम्र भी शायद जब मैं आया था तो 25-26 साल होती थी और आज मैं 60 साल पूरे कर 61वें साल में चल रहा हूँ। इन बच्चों का जो प्यार और स्नेह मिला, मैंने हमेशा जब मैंने इस सेवा में प्रथम बार जो है कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने केवल एकमात्र बात यही सोची कि
कि ये जो बच्चे जिन गार्जियन ने मेरे सुपुर्द किए हुए हैं उनके कुछ सपने होंगे और मेरा प्रयास क्या होगा कि मैं इनके सपने पूरे कर सकूं। मेरा जो दायित्व था मैंने उसको किसी भी ढंग से बाधा रहित, मेरी एक शैली रही कि मैंने चाहे लड़का रहा हो चाहे लड़की रही हो कभी किसी को अपशब्दों से कभी मेरे ख्याल से याद नहीं आता कि मैंने इनको कभी कहा हो। मैंने इनको बेटा और बेटी के अलावा ये किया और उसका मूल लक्ष्य था कि मैं अगर अपने बेटे और बेटियों से इनकी तुलना करूंगा तो मेरे मन में कोई अन्य भाव नहीं आएगा। और शायद मैं आज सोचता हूं कि आज मैं यहां पर हूं, ये बच्चे मेरे पूर्व छात्र मुझे सम्मान देने आए हुए हैं, इसका एकमात्र कारण यही रहा होगा मैंने इनमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि बेटा पढ़ोगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, बिना जो है मेहनत के कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। मैं स्वयं ऐसे परिवार से था जहाँ पर साधन विहीनता थी, मेरे पिताजी बहुत बड़े परिवार में अकेले कमाने वाले थे, हम भी जो है स्कूल में जा करके अपने टीचरों से बोलते थे हमारी फीस माफ़ कर दो, जबकि वहाँ पर फीस कुछ नहीं 1.5-2 रुपया होती थी, लेकिन उस समय हमारे जो माता पिता थे वो भी वहन करने की स्थिति में नहीं होते थे, अकेले कोई नौकरी वाले इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, तो उसका मुझे अनुभव था। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा ये की कि जो भी छात्र छात्राएं मेरे पास हों उनको मैं इस ढंग से कैसे प्रेरित करूं कि जीवन में वो कहीं थपेड़े खाने की स्थिति में ना आए बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में आ सकें। और मैं आज सोचता हूं या ये महसूस करता हूं कि ये जो बहुत दूर दूर से कोई दिल्ली से कोई गुड़गांव से कोई जो है हिमाचल या हरियाणा से आकर के कोई कोटद्वार कोई ऋषिकेश सब जगह से आकर के आज यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और अपने साथियों को भी यही कहता हूँ कि देखो हमारी जो फसल है वो यही है। मैं आज यद्यपि सेवानिवृत्त हो रहा हूँ लेकिन मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज भी शिक्षक के लिए जो सम्मान है अगर शिक्षक से आए तो वो सम्मान जो है वो हमेशा मिलता रहेगा, बशर्ते हम एक लग्नशीलता से कार्य करें और अपने दायित्वों में कहीं भी जो है कोई भेदभाव न करें। मैंने जब भी रहा मैंने ये नहीं देखा कि ये विद्यार्थी जो है अमीर है गरीब है, आज की जो समाज में विकृतियाँ आ रही हैं कोई बोल रहा है मैं ठाकुर हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं ये जाति का हूँ मैं वो जाति का हूँ, मैंने किसी भी छात्र छात्र को किसी भी जाति में देख करके कभी नहीं देखा और मैंने एक छात्र और एक छात्रा को हमेशा एक अपना जो है एक कच्चे घड़े के समान देखा कि मैं इसमें किस प्रकार से ऐसे रंग भरूँ जिसका इसका जीवन जो है वो सफल हो जाए। और शायद मैं यही सोचता हूँ कि ये सब छात्र छात्राएँ मैं माता जो हमारी सरस्वती है उनसे यही कामना करता हूँ ये जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं ये सुखी रहें, इनका परिवार सुखी रहे, ये खूब फले फूले, इनके जीवन में कभी भी कोई बाधा न आए, बस यही मैं सब हमेशा निरंतर इनकी खुशहाली की इनके परिवार की इनके जो नौनियाल होंगे उनके लिए माँ सरस्वती से यही मांगूंगा कि उनको भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और शिक्षकों से यही चाहूँगा कि वो अपना दायित्व निभाते रहेंगे तो केवल एक मुझ हेमचंद्र केशवाल को नहीं प्रत्येक शिक्षक को यह सम्मान हमेशा के लिए मिलता रहेगा। और हमें बहाने नहीं कर सकते हैं कि आज शिक्षक ने सम्मान खो दिया है, नहीं शिक्षक ने सम्मान खोया है उसके लिए छात्र कहीं दोषी नहीं है, अगर छात्र दोषी है तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं दोषी है, इस दोष को हमें जो है अपने अंदर ढूंढना होगा दूर करना होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा और उन सबको पुनः अपना जो है आशीर्वाद दूंगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।